संस्कृति मंत्रालय की जो पहल है जनजातीय विकास, वो प्रधानमंत्री जी ने हमको 5 प्रण लेने को कहा और साथ में 9 वर्टिकल्स के ऊपर काम करने को कहा। उस 9 वर्टिकल्स में से एक वर्टिकल जनजातीय विकास की भी है। जब भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और देश ने अपने 75 साल पूरे किए, तो हर वो चीज़ जिस पे भारत को गौरवान्वित होना है, हर वो इतिहास जिसने भारत की एकता अखंडता के लिए काम किया और आज़ादी भारत को दिलाकर राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से आगे बढ़ाया, उसको मनाने का समय, और साथ ही हमारी जनजातीय परंपराओं को, जिसको हम डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं, विभिन्नता में एकता या एकता में विभिन्नता की प्रवृत्ति को हम पहचानते हैं, वो कभी पूरी नहीं होती जब तक कि जनजातीय गौरव से जुड़े हुए लोग इस देश में नहीं होते। उन्हीं जनजातीय क्षेत्र के लोगों को, उनको मेनस्ट्रीम करने के लिए, आगे देश को बढ़ाने के लिए और सबका साथ सबका विकास का जो मोटो है उसको आगे लेकर चलने के लिए एक एड्यू ट्राइब असेंबली के नाम से प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें तकरीबन 50 स्कूल के विद्यालय शामिल होंगे और जी मीडिया की ये पहल रहने वाली है, जो कि कई करोड़ लोगों तक इस संदेश को लेकर आगे चलने का काम कर रहे हैं। तो मैं उन सभी विद्यालयों को और साथ में जी मीडिया को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी द्वारा दिखाए गए रास्ते पर और संस्कृति मंत्रालय के इनिशिएटिव पर सब लोगों ने आगे बढ़कर अपने आप को ऐसी मुहिम में शामिल किया, ताकि जनजातीय क्षेत्र में काम करने वाले लोग, जनजातीय क्षेत्र के हमारे भाई बहन और देश की एकता अखंडता को लेकर आगे चलने वाले लोग, इस देश का गौरवान्वित इतिहास, खासतौर पे जनजातीय समाज का इतिहास जिससे सब अनभिज्ञ है, उस पर गौरवान्वित होने का समय देश की आज़ादी के अमृत महोत्सव में सही मायने में देश की आज़ादी के लिए काम करेगा और आने वाले जब देश अपनी शताब्दी वर्ष 100 वर्ष मनाएगा, उसमें सबसे बड़ा जो इतिहास का हिस्सा है वो जनजातीय समाज का इतिहास लिखा जाएगा, जो कि स्वर्णिम काल और स्वर्णिम अक्षरों का इतिहास होगा। आप सब इस मुहिम में शामिल हो, अपने जनजातीय भाई बहनों के गौरवान्वित इतिहास की जानकारी प्राप्त करें, उनकी परंपराओं को आगे बढ़ाएं और उन सब से सामाजिक दृष्टिकोण की शिक्षा प्राप्त कर सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज और वन विकास आदि कार्यक्रमों में जुड़कर उनके लिए आर्थिक नीतियों को तय करें, आर्थिक विकास के कार्य करें और उन सब की मेन स्ट्रीमिंग के साथ, देश एक ही है, हम सब रहने वाले बेशक अनेक हों, अनेक भाषाओं प्रयोग करते हों, अनेक तरीके से कपड़े पहनते हों, लेकिन देश की एकता अखंडता के लिए हम सब कार्यरत रहें और जनजातीय विकास के लिए कार्यशील रहें। आप सब टैग करें जनजातीय विकास हमारा प्रयास, #जनजातीय विकास हमारा प्रयास।